मॉर्निंग किड्स, आई एम हीना शर्मा फ्रॉम JOGS अकेडमी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज सब्जेक्ट EVS। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी की बुक का EVS सब्जेक्ट है उसका चैप्टर 4 की एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आपको एक्सरसाइज में करना क्या है, आपको यहाँ से मैं आंसर आपको बताऊँगी और आपकी वर्कशीट में भी आंसर दिया हुआ है, आपको इनको नोट डाउन करना है आपकी कॉपी के अंदर, आपने जो न्यू कॉपी बनाई है EVS की उसके अंदर नोट डाउन करना है। सो स्टार्ट करते हैं। ए क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन पर राइट का टिक करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रियाज फैमिली इज अ, प्रिया की फैमिली कैसी है, स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली या फिर जॉइंट फैमिली। कैसी थी प्रिया की फैमिली, जॉइंट फैमिली। सो आंसर इज सी, जॉइंट फैमिली। सेकेंड क्वेश्चन इज राहुल्स फैमिली इज अ, राहुल की फैमिली कैसी है, स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली, जॉइंट फैमिली। सो आंसर इज स्मॉल फैमिली। थर्ड, रोहित फैमिली इज अ, रोहित की फैमिली कैसी है, बिग फैमिली, स्मॉल फैमिली, जॉइंट फैमिली। सो आंसर इज बिग फैमिली। क्वेश्चन इज बी फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, आपको वहाँ पे एक सूटेबल वर्ड्स को फिल करना है जो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग करेक्ट हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी फैमिली इज डैश, डैश में क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, स्पेशल। एवरी फैमिली, प्रत्येक फैमिली होती है कैसी होती है, स्पेशल होती है, एवरी फैमिली इज स्पेशल। सेकेंड, देयर आर मैनी मेम्बर्स इन डैश फैमिली, किसकी फैमिली में बहुत सारे मेम्बर्स थे, प्रियाज फैमिली। सो आंसर इज प्रियाज फैमिली। ये आंसर आपको आपकी वर्कशीट में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज सिमी एंड विवेक लिव विद देयर मदर, तो डैश क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, मदर। अगेन देखते हैं, सिमी एंड विवेक लिव विद देयर मदर। क्वेश्चन नंबर सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली, यहाँ मतलब वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज होती हैं, तो ये क्या है, ट्रू आएगा, तो आंसर क्या है, टी। देयर आर मैनी मेम्बर्स इन अ स्मॉल फैमिली, स्मॉल फैमिली में बहुत सारे मेम्बर्स होते हैं, नहीं, जॉइंट फैमिली में होते हैं, तो आंसर इज फॉल्स, एफ। द यंगेस्ट मेम्बर ऑफ अ फैमिली इज द हेड ऑफ फैमिली, जो यंगेस्ट मेम्बर है फैमिली का वो उसका हेड होगा, नहीं, एल्डेस्ट मेम्बर होता है। सो आंसर इज फॉल्स, इट मीन्स क्या आएगा, एफ आएगा। सो आज हम लोगों ने ए बी और सी पार्ट कंप्लीट किया है चैप्टर 4 का, और आपको ये तीनों पार्ट जो हैं आपकी कॉपी में भी नोट डाउन करने हैं और लर्न भी करने हैं। थैंक यू।